पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है, पांचों राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर एक। नंबर दो, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आए आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंश कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में शहर में पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं, मैं कोई एक एक छीट की कैलकुलेट करता नहीं हूं कभी। मेरा हंश कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी, उसके तीन कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इंकमेंट नहीं है, वरना होते ही होता है, ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर दो, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने, नंबर दो। नंबर तीन, जो मोदी जी अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनके आए, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली, वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए, वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है, उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बहुत जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को होने वाली है, क्या स्थिति लगनी है प्रदेश में, किस प्रकार से बीजेपी कितने सीटों पर आती है? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के प्रचंड बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद के साथ एक परिवर्तन जो तय था वो है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। चुनाव के समय जिस तरह से लोग आनंद से खुशी से हर्ष उल्लास के साथ जो वोटिंग कर रहे थे, जो त्यौहार का जो माहौल था, वो त्यौहार का माहौल तभी होता है जब एक उत्साह होता है परिवर्तन का। तो ये तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 4 दिसंबर को अखबार की सुर्खियां होंगी पूर्ण बहुमत के साथ या प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है। यही दावा जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास उस दौरान कोई मुद्दा जो है वो नहीं था और सरकार के खिलाफ भी कोई एंटी इंटरवेंशन नहीं दी थी। गहलोत साहब का समय खत्म, अब जिनको करने नहीं दे दावे। थैंक यू कर्नल साहब, थैंक यू। हाँ, उनके काम पर वोट पड़े हमें कि उन्होंने काम किया। यहाँ पर लगभग 35,000 दुष्कर्म के मामले, औसतन 26 दुष्कर्म के मामले प्रतिदिन, 19 बार जो पेपर लीक किए, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, उनके मंत्रियों ने जो ऐसे बोल बोले ये मर्दों का प्रदेश है, और अनगिनत सोने के बिस्कुट और ईंटें जो निकली घोटाले किए, ये सब उनके काम जो किए उन्होंने, उस पर हमें वोट मिले।